हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। मैं लता सिंह आज आपके साथ काला जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी। तो काला जामुन बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम मावा है जो मैंने घर में ही बनाया है, 50 ग्राम पनीर, 10 ग्राम मैदा, 1 चम्मच सूजी, थोड़े से ड्राई फ्रूट का पाउडर और थोड़ी सी चिरौंजी, अद कुटा हुआ इलायची का पाउडर, 450 ग्राम चीनी। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। इसमें हम पहले चीनी डालेंगे, 200 ग्राम पानी, तो ये 150 ग्राम का है। चीनी की हमको ऐसी चाशनी बनानी है, मैं ताल नहीं खींचे, खाली चीनी को ही पानी में मिलाना है, हमारी चाशनी बनती है। जब तक मैं काला जामुन का डो बनाती हूँ, ये खोया, 1 चम्मच सूजी डाल दी, मैदा डाल दिया, पनीर है, पहले इसको पनीर को हाथ से मथेंगे, हथेली से मैश करेंगे। अब ये मैश हो गया, अब इसमें हम खोया और मैदा सबको मिला करके मैश कर लें। बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब ये हमारा तैयार हो गया। अब हमारी चाशनी को देखते हैं। अब इसमें तारनी खिचड़ा शहद की तरह चिपक रही है, तो हमको ऐसी ही चाशनी बनानी है। अब हमारी चाशनी तैयार है। कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल इतना होना चाहिए कि हमारे जामुन अच्छे से डूब जाए। अगर तेल कम होगा तो जामुन डूबेंगे नहीं। हम काला जामुन में अंदर रखने के लिए स्टफिंग बनाते हैं, एक ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर, करके दाने, थोड़ा सा कलर मिलाएंगे इसमें से, थोड़ा सा इसमें मिलाते हैं, आधा चम्मच चीनी, तब हम काला जामुन बनाना शुरू करते हैं। तरह से इसको हाथ से करेंगे और इसके अंदर ये स्टफिंग डालेंगे और ऐसे गोल गोल घुमाते हुए इसको बंद कर देंगे और हथेली से ऐसे करेंगे। इसमें एक भी दरार नहीं होनी चाहिए, अगर दरार रह जाएगी तो ये फट जाएगा। देखो, एक भी दरार नहीं है। अब हम इसको, तेल गरम हो गया, इसमें डालते हैं, और साइड से इस तरह से इसको इसके ऊपर डालते रहेंगे। ये जामुन तो हमारा हो गया है, लेकिन हमको काला जामुन बनाना है, तो अभी थोड़ा इसको और तेल में डाला देंगे और गैस सिम रखेंगे। ये धीरे धीरे काला हो रहा है। अब ये हमारा काला जामुन सिक गया। चाशनी में डालेंगे, इलायची पाउडर भी चाशनी में डाल देंगे, सारे जामुन बना लेंगे। ये हमारे बहुत तैयार हो गए। अब ये हम तेल में डालते हैं। तेल में ये बॉल ज्यादा नहीं डालें, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे और फट जाएंगे। गैस कम कर देंगे, इस तरह से धीरे धीरे इनको मिलाते रहेंगे। ऐसे हम सारे बॉल तेल में डाल देंगे। इनको सेकने में 8-10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इनको धीरे धीरे सेका जाता है। अभी इनको 5 मिनट हो गए, अभी 3-4 मिनट और लगेंगे। ये हमारे जामुन सिक चुके हैं। अब हम इनको तेल में से निकाल कर चाशनी में डालते हैं।
और गैस बंद करते हैं। ये हमारे सारे जामुन चाशनी में डाल दिए। अभी इनको हम 2 घंटे तक रखते हैं ताकि ये अंदर तक चाशनी पी ले। काला जामुन डाले हुए चाशनी में 2 घंटे हो गए। अब ये चाशनी पी चुके हैं और तैयार है। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। अंदर तक चाशनी चास चुकी है। अगर आपको मेरा काला जामुन बनाने का रेसिपी अच्छा लगा हो तो ट्राई करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।